हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने एक टेम्पलेट फाइनल करके उसको अपने लोकल होस्ट पे चला लिया था। कुछ इस तरह से ही हमें रिजल्ट भी दे रहा था। आज हम इसको अपने एंगुलर पे मर्ज करेंगे और इसको एंगुलर पे चला के देखेंगे कि हम एंगुलर पे इस टेम्पलेट को कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखे थे तो लास्ट टाइम हमने इंडेक्स फाइल को ओपन किया था। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से चीज़ों को डिफाइन किया गया होता है। अगर यहाँ पे आप हेड देखते हैं और बॉडी देखते हैं, आप अगर बेसिक HTML या वेबसाइट बनाना जानते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, HTML, हेड, बॉडी। तो मैं इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमारे HTML CSS ट्यूटोरियल को देखें और वहाँ से इसको क्लियर कर लें। बट ये हेड है और ये भी बॉडीज हैं, बाकी का वो कमेंट था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। मेन इम्पॉर्टेंट हमारा इंडेक्स पेज है, पहले हम इंडेक्स पेज को बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तो नॉर्मल जो पेज HTML प्रोजेक्ट होता है तो हर एक पेज पे HTML लगे होते हैं, है ना, HTML, हेड, बॉडी। बट एंगुलर के साथ ऐसा नहीं होता है। एंगुलर एक्चुअली में वन पेज एप्लीकेशन है। आप कहीं भी हेडर फुटर नहीं लगाते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं HRC ऐप और ऐप में HTML में डायरेक्ट आप कोडिंग करते हैं। ये बेस कोड है, इसको हटा देते हैं। नीचे राउटिंग का होगा तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल पेज बनता है। और अगर आपने इस पे हेडर फुटर लिखा तो वो एरर आ जाएगी, आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये वन पेज एप्लीकेशन है और इसका जो मेन पेज होता है, जो हमेशा एक ही पेज रन करता है, वो है index.html फाइल। SRC के अंदर डायरेक्ट एक index.html फाइल होती है, यही पेज हमेशा रन करती है। और आप देखिए यहाँ पे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही मिल रहा है, हेड, बॉडी, है ना। तो दैट मीन्स आप और पूरे पेज पे केवल यही एक ही है, दोबारा कहीं और यूज नहीं होना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बनाएंगे तो दैट मीन्स हमारा जो हेड है, ये जो हेड के अंदर हमारे कोट्स हैं, ये इतने कोट्स ये हमारे होने चाहिए उस इंडेक्स फाइल के अंदर। जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद आपके पास ये JS है, ऐसे इमेज है और CSS है, ये भी आपको रखना होगा। तो सबसे पहले इन्हीं को रख लेते हैं, ओपन इन फोल्डर एक्सप्लोरर। ओके सॉरी, चलिए आइए लोकेशन पे आते हैं। यहाँ पे ये हमारे तीन फोल्डर्स हैं, इनको हमें अपने एंगुलर वाले प्रोजेक्ट के अंदर रखना है। तो एंगुलर वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको कहाँ रख सकते हैं? इसको हमें रखना होगा असिस्ट। ये जो हमारा फोल्डर होता है, ये असिस्ट फोल्डर इसीलिए होता है कि आप एक्सटर्नल चीज़ों को इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी होती हैं हम इस असिस्ट फोल्डर के अंदर ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, आइए फोल्डर की लोकेशन पे आते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर SRC है, इसके अंदर असिस्ट है और यहाँ पे हम अपनी तीनों फाइल्स को रख देते हैं। देन ये जो हमारे हेडर हैं, अब हम इन हेडर्स को यूज कर पाएंगे और इसको अपने यहाँ पे जो हमारी मेन फाइल है ना, index.html फाइल, इसमें लिंक कर देंगे। इन कोट्स को आप मत हटाइएगा, अगर हटाते हैं तो ये बेस HREF ये इम्पोर्टेंट होता है, बाकी ये दोनों भी लगे होने चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं, आप हटा सकते हो, बट मेन इम्पोर्टेंट ये है। इसके बाद आप इन कोड को पेस्ट करें, जितना कुछ भी था। हम इसको फोल्ड करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग कम हो जाएगी। और आप देखिए यहाँ पे भी टाइटल है और यहाँ भी टाइटल है,
हेड में दो टाइटल नहीं हो सकते हैं, तो आप चाहे ऊपर वाले को हटाइए या इसी को हटा दीजिए, ठीक है। और टाइटल हम दे देते हैं माई न्यू ब्लॉग। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये जो CSS और JS के पाथ हैं वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पे फाइल है, अब जो भी हमारी CSS फाइल रखी है वो कहाँ पे रखी है? असिस्ट के अंदर रखी है, जबकि हमारा पहले पाथ क्या था? डायरेक्ट CSS थे फाइल्स। अगर आप यहाँ पे हो इस प्रोजेक्ट पे, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर इंडेक्स फाइल यहाँ है तो हमारी सारी फाइल्स असिस्ट के अंदर चली गई हैं, है ना? और जबकि आप इस पे थे तो हमारे इंडेक्स के बाद डायरेक्ट ही फोल्डर्स थे। इसीलिए पहले क्या था, हमारा कोड डायरेक्ट CSS लिखा था, बट हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको फोल्डर के बाद रखना होगा, यानी असिस्ट यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। इस चीज़ को आप भी कर लीजिएगा। बहुत से टेम्पलेट में असिस्ट के साथ ही आते हैं टेम्पलेट्स, बट इस टेम्पलेट में नहीं था तो हम इस तरह से बना ले रहे हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ CSS और JS यूज हुआ है बस वहीं पे हमें असिस्ट को आगे पास कर देना है, तो ये हमें इसका प्रॉपर पाथ मिल जाएगा। क्लियर है? आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब आप टेम्पलेट को एंगुलर में इम्पोर्ट कर रहे होंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि बात आती है बॉडी की। तो बॉडी में जो कुछ भी है वो ऐप रूट से आ रहा है, हमने इसको बताया है आपको कि ऐप रूट कहाँ पे होगा। ऐप रूट मेन आपकी फाइल होती है, ऐप के अंदर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट ts के अंदर ये देखिए सेलेक्टर ऐप रूट लगा है, ये इस कंपोनेंट को कॉल कर रहा है और यही HTML की बॉडी वहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी बॉडी में काम कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस ऐप रूट को नीचे वाले को भूल जाइए तो आपके पास कुछ ऐसा बॉडी है, आप डायरेक्टली ये कोड जब जितने भी बॉडी के अंदर है आप इंडेक्स डॉट HTML फाइल पे भी डाल सकते हैं, बट वो चेंज नहीं होगा। अब इसमें भी क्या होता है कि देखिए हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं ना, हेडर यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन के साथ बना होता है। कंटेनर दो ही चीज़ें हैं, अच्छा है। तो हम सबसे पहले हेड को ले लेते हैं और इसको वहाँ पे डालते हैं अपने इंडेक्स पेज पे। बॉडी है, इस पे डाल दिया हमने, सेव किया। इस प्रोजेक्ट को अभी तो रन ही नहीं कराए, तो रन कर लेते हैं। ng serve डैश ओपन, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको रन कराते हैं ताकि हम इसका इफेक्ट देख सके, समझ सके। ओके, इस पे स्पेस नहीं था। ng serve ओपन, जैसे ही होता है ये हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमारी चल रही है। देखिए यहाँ भी आपको पाथ की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी इमेज फोल्डर कहाँ पे है? असिस्ट के अंदर है, तो जहाँ पे भी अगर इमेज वगैरह यूज हो रहा होगा ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा आपका। और जिन टेम्पलेट में असिस्ट पहले से होता है तो उनको तो कोई भी प्रॉब्लम, अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। कंपाइल होने देते हैं, प्रोजेक्ट को लॉन्च होने देते हैं, वेट करते हैं, जल्दी ही हो जाना चाहिए ये। आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी, हम इंतज़ार करेंगे। यस ओके, ये देखिए प्रोजेक्ट आया, CSS वगैरह JS काम कर रहे हैं बट यहाँ की इमेज नहीं है। क्यों? वही बात, हमने यहाँ पे देखिए पाथ गलत दिया था, ये करना है। तो ये भी आ गया, कुछ और कमी नहीं, सिंपल ऐसा ही बना था, है ना? तो आप देखिए ये पेज अब बन रहा है और एंगुलर पे 4200 पे, बट आपके जो कोड होते हैं ना बॉडी वाले, वो आपको अपने
इस जगह पे नहीं रखने होते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। क्यों? क्योंकि आप अगर वहाँ रख देंगे तो आपका ये चेंज नहीं होगा, हमेशा यही रह जाएगा, है ना। तो इस कोड को चूंकि यहाँ ऐप रूट कंपोनेंट हमेशा लॉन्च लैंड कर रहा है, तो आप अपने कोड को यहाँ पे रखें। अभी राउटिंग को थोड़ा भूल जाएं और यहाँ पे रखें तो भी आपका सेम इफेक्ट दिखेगा। देखिए कोई चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि यही पेज सबसे पहले अब इंडेक्स पेज पे लोड हो रहा है। तो चलिए, आपका ये हेडर वाला तो काम हो गया, ऐसे ही क्या करना है आपको अपने बॉडी यानी कि कंटेंट जो हमारे थे यहाँ पे सेकेंड वाली बॉडी, उसको भी कॉपी करके डाल दीजिए और जहाँ जहाँ इमेज है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रूट चेंज हुआ है। अगर हम इसको देखें तो आप देखिए ये कुछ इस तरह आया। बस क्या प्रॉब्लम है इमेज की? अब इमेज को कैसे एक बार में भी सही किया जा सकता है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, आप अगर इस चीज को कॉपी करें और यहाँ पे आए सर्च में और यहाँ पे इस तरह से डाल दें, तो जितने रहेंगे वो लिस्ट हो जाएंगे एक ही जगह है। वाई SRC नो रिजल्ट फोन। ओके, अब अभी भी नहीं फोन रहे। सीएसएस फाइल इंक्लूड, यस। आप अगर यहाँ पे हैं सर्च पे आए और इस चीज को सर्च करें तो देखिए जितनी जगह पे है वो नहीं आएगा। यहाँ पे डॉट सी एस एस लग गया था, ये आपके में अगर लगता है तो हटा दीजिएगा, तो वो उसी फाइल में सर्च कर रहा था, अभी सारे प्रोजेक्ट में सर्च कर रहा है। तो इंडेक्स फाइल में इतनी जगह पे इसे डायरेक्ट इमेज मिल रहा है, तो इसको हमें क्या करना है असिस्ट के साथ रिप्लेस करना है। दैट मीन्स ऐसा लेना है, बट इसके पहले हमें क्या करना होगा, ये हमारा ओके ओके, ये हम अपने उसी प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, एंगुलर पे हमें करना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये गलती आप भी ना करें। आइए, ये कंपोनेंट है, इसमें हम सर्च करते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे ये इस टाइप से बना हुआ। तो आप देखिए यहाँ भी आपको मिल गया। आपको क्या करना था, इमेज के आगे असिस्ट लगा देना था, है ना। तो आप लगा दें इस तरह से, इसको बना दें और देन यहाँ पे इमेज भी ले लें, तो क्या करेगा वो इस चीज को इससे रिप्लेस कर देगा। कैसे? बस यहाँ पे आके आपको रिप्लेस ऑल है ये क्लिक करेंगे तो ये अपने आप देखिए 17 जगह इसको मिल रहा है, वन फाइल में मिल रहा है, तो वो इसे अपडेट कर दिया। और अब अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी इमेजेस के आगे असिस्ट लग चुका है, जितनी भी इमेज यूज हुई हैं, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि सारी इमेज भी आपके प्रोजेक्ट पे आ चुकी हैं और बिल्कुल ये एंगुलर पे प्रोजेक्ट आपका बन रहा है प्रॉपरली विदाउट एनी एरर। तो अच्छा है, यस बहुत अच्छा है, ठीक है। बट अभी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, इनके बारे में तो लिंक वगैरह हम अभी बाद में बताएंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि अभी भी आप मेन पेज पे ही काम कर रहे हो। एक्चुअली में जब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे है और ये ऐप कंपोनेंट ही मेन कंपोनेंट है, आप जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे सारे इसी पे लोड होंगे, उसके बाद ही चलेंगे। तो अगर हमारा
हेडर तो देखिए पूरे प्रोजेक्ट में होगा, जो चीजें सारे प्रोजेक्ट पे होती हैं वो आपको यहाँ रखनी होती है, बाकी की चीजों को आपको यहाँ नहीं रखना होता, क्योंकि ये चीज जो भी आप यहाँ रख देंगे वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो इंडेक्स की बॉडी में तो कुछ भी नहीं रखना है हमें, और एप डॉट कंपोनेंट की बॉडी में वो चीजें रखनी है जो कभी हमारी चेंज ना हो, यानी जो कॉमन हो, जो हर पेज पे होंगी वही यहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी है वो दूसरे पेज पे रखना है। वो कैसे होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट और बना सकते हैं, जैसे होम कंपोनेंट। ये मेन कंपोनेंट हो गया, आपको एक होम कंपोनेंट बनाना है। न्यू टर्मिनल लीजिए और ng जनरेट कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट होम। ठीक है, ये आपके मेन रूट पे होम कंपोनेंट क्रिएट करेगा। वेट करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक होम कंपोनेंट आ चुका है। अब चूंकि ये जो मेन कंपोनेंट होता है ये कॉमन फाइल को रखता है, तो हम हेडर को यहाँ रखेंगे और होम कंपोनेंट को यहाँ से हटाएंगे। अब एक्चुअली में देखिए काम ये सब कैसे होगा, लिंक कैसे होगा, है ना? इसीलिए यहाँ पे राउटर लगा हुआ है। राउटर का ही मतलब होता है कि ये चेंज करके लाएगा। ठीक है, ये चेंज करके आपको बताएंगे कि कैसे और कौन सा पेज या कौन सा कंपोनेंट। यहाँ पे हमारे पास बहुत कंपोनेंट होंगे, होम हो गया, ऐसे ही आप एक और कंपोनेंट क्रिएट करिए, ng जनरेट क्या था, वेट एक सेकंड देखते हैं, अबाउट अस रजिस्टर। ये जितने भी आपके पेजेज हैं ये आपके कंपोनेंट हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे हम मान लीजिए एक और कंपोनेंट बनाते हैं अबाउट अस का, ng जनरेट कंपोनेंट अबाउट अस। तो अब इस पेज पे ये दोनों कैसे आएंगे? इस प्रोजेक्ट पे चेंज जो होता है वो होता है राउटर आउटलेट से चेंजेज होते हैं। क्लियर है? तो इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, अपना अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं, कमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि इनर भी लगे हुए हैं, तो मैं इसको भी एक्स कट किया। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे ये केवल लोड हो रहा है। अब हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, क्योंकि जब हमारा होम है तो होम कंपोनेंट अबाउट आएगा तो अबाउट कंपोनेंट चलना चाहिए, रजिस्टर्ड आएगा तो रजिस्टर्ड कंपोनेंट चलना चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ी सी राउटिंग की मदद लेनी होती है। यहाँ पे जो हमारा ऐप कंपोनेंट में देखिए ऐप राउटिंग मॉड्यूल है, इसको यूज करना होता है ना? ऐप राउटिंग मॉड्यूल में यहाँ से आपको सब कुछ राउट करने होते हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जिस भी कंपोनेंट को आपको लोड करना है वो सारे पाथ वगैरह आपको इसी राउटिंग के थ्रू ही समझना होगा, करना होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक्चुअली में आप देखिए यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं चल सकता है, कुछ एरर आ रही है आई थिंक। ओके, मैंने ये लगा दिया, इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा ना, पाथ चेंज हुआ लेकिन फिर से वो हट गया। तो एंगुलर में ये क्या होता है, राउटिंग की वजह से होता है। राउटिंग ही पाथ डिसाइड करता है कि राउट कौन से पाथ पे क्या आपको ओपन करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। और इसको मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि राउटिंग कैसे करनी है और ये किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।